हेलो गाइस, दिस इज शिवम एंड यू वाचिंग जीनियस गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आंगनवाड़ी भर्ती वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, फुल डिटेल के बारे में जानेंगे। वैकेंसी में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है और क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और लास्ट डेट कब है। तो दोस्तों, फुल जानेंगे स्टेप बाय स्टेप और आप इस वीडियो को देखने के बाद घर पे ही ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशनल टिप्स भी इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो वीडियो लास्ट तक देखना। और गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल टिप्स मैं आपको डेली ला के दूंगा और इस चैनल पे डेली अपडेट हो रही हैं रेगुलरली। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आपको लेके चलते हैं इस पेज पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पूरी इसकी इस वेबसाइट की जो लिंक है, मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए गाइस, आंगनवाड़ी भर्ती 2021 उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में 53,000 वैकेंसी हैं दोस्तों। और इसको फुल तरीके से इसके बारे में जान लेते हैं, 53,000 वैकेंसी हैं और ये गाइस 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना गाइस। और तब तक इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे और जो इम्पोर्टेंट हैं, मैंडेटरी हैं, वो आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। और गाइस, और भी मैं आपको बताता हूँ आगे कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और कैसे ये फॉर्म आप घर पे ही फिल कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए और जान लेते हैं गाइस इसके बारे में। वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, इस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए इसके लिए आपको, ये देखिए शैक्षिक योग्यता गाइज, यहाँ पे फिफ्थ क्लास आपके घर में आपकी मदर्स या कोई भी हो, रिलेटिव्स कोई भी हो, आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं। बट यही है गाइस, आप उनकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जल्दी से जल्दी रेडी कर लें। और देखिए गाइस, इसमें मिनिमम 21 वर्ष बताया गया है एंड मैक्सिमम 45। और भी है गाइस, इसमें पूरा देख लेते हैं दोस्तों और इसे स्क्रॉल करके नीचे लाता हूँ। इसमें ये 5 पेज हैं गाइस, ये पांचों आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तभी अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये वैकेंसी सैलरी का जिक्र किया गया है और गाइस किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो भी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं गाइस। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसके लिए मैं आपको मैनुअली बता दे रहा हूँ, आपको इनकम सर्टिफिकेट, हस्बैंड की जो इनकम सर्टिफिकेट बनती है वो, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र एंड जाति प्रमाण पत्र, ठीक है ना गाइस। ये 3 सर्टिफिकेट हो गए एंड मार्कशीट 5th की और आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है ना गाइस। इतनी चीज़ें आप अभी से रेडी करके रखवा लीजिए। ये जो वैकेंसी है, ये सरकारी रिजल्ट पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि जो फ्रेशर हैं वो लोग नहीं जानते, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल दिखा दे रहा हूँ गाइस लाइव एकदम। तो ये देखिए, आप यहाँ पे टाइप करेंगे सरकारी रिजल्ट और ये पहला लिंक का जब आप ओपन करेंगे, ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए, आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी, ये यूपी आंगनवाड़ी, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे हम इसे ओपन कर लेते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं दोस्तों। फीस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फीस यहाँ पे बिल्कुल 0 है, ओबीसी एनएससी वगैरह ये सब 0 है। और गाइस यहाँ पे देखिए, ये डेट अभी अपडेट होगी, लास्ट डेट जो है ये अपडेट होगी, इतनी डेट नहीं है गाइस। और फिर भी आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें अगर आप किसी का भी अपने घर में फॉर्म डलवाना ही चाह रहे हैं। जैसे ही गाइस, और यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइज यहाँ क्वालिफिकेशन भी मांगी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स इसे फिल कर सकते हैं, ठीक है ना गाइस। और ये देखिए, 10th हाई स्कूल, ये आंगनवाड़ी वर्कर एंड मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, इनके लिए 10th होना मैंडेटरी है। एंड जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं वो आप ले सकते हैं 5th पास, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी निकली है गाइस। ये अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है इनमें से, तो आप श्योर यहाँ पे आ जाएगा गाइस। यहाँ पे आगरा एंड फिरोजाबाद,
ये गाइस मैं फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं फिरोजाबाद सेलेक्ट करूँगा। और गाइस आप देख सकते हैं सून सून लिखा है, तो गाइस ये 16 अप्रैल से पहले नहीं आने वाली। और आप अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो अपने सारी डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करवा लें जो हमने बताए हैं, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये अभी अप्लाई नहीं होगा, ये तभी अप्लाई होगा जब ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो ठीक है ना गाइस, मैं आपको दो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक तो इसकी, जो यहाँ पे आप जब इस पोस्ट को अच्छे से पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एंड सेकंड आपको ये वाला जो पीडीएफ जो डिपार्टमेंट से इश्यू हुआ है, ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ये भी दे दूंगा, ये आप पूरे अच्छे से रीड कर सकते हैं बढ़िया से। और गाइस जब लिंक एक्टिवेट होगी तब मैं एक फॉर्म फिल करके आपको दिखा दूंगा। तो तब तक के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगी मैं इस पर आपको फुल डिटेल में भर के कैसे भर रहा है और जहाँ जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो भरने में तो मैं आपको गाइस वो बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और गाइस वीडियो कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर मुझे बताना और शेयर भी करना इसे जो भी आपके रिलेशन में हो, से किसी को भी ये फॉर्म वगैरह भरना है तो उसे शेयर भी कर देना दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई टिप्स के साथ दूसरी वीडियो में। तो तब तक के लिए गाइस जय हिंद।